Hey guys, welcome back with the new vlog and thank you so much हमारे last दो vlogs को इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, इतना support करने के लिए। एक favor चाहिए मुझे आप लोगों से छोटा सा कि please हमारे channel को subscribe भी कर देना अगर आप लोगों को हमारे vlogs पसंद आ रहे हैं तो। वैसे आप लोगों ने video का thumbnail देख के idea लगा लिया होगा कि केवी पाजी हमारे पास आने वाले हैं एंड हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं 1 crore व्यूज जो कि हमारे नए गाने के ऊपर कंप्लीट हुए हैं जस्ट अभी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा गाना नहीं देखा है मन जावे तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जल्दी पहले जाकर उसको चेक करो। एंड जैसे हम केवी पाजी से मिलेंगे काफी सारी मस्ती करेंगे, छोटा सेलिब्रेशन करेंगे एंड आने वाले ट्रैक्स के बारे में उनसे बात करेंगे। तो अभी हम वेट मुझे भी बात करनी है। हाय, क्या बात करनी है? एक्चुअली मैंने कल एक स्टेटस अपलोड किया था इंस्टाग्राम के ऊपर जिसमें मैंने पूछा था कि हमारे गाने में थर्ड मेंबर कौन है। अच्छा, तो जिसके बहुत सारे रिप्लाई आ गए थे, बहुत सारे सही थे, बहुत सारे गेस नहीं कर पाए। सबको रिप्लाई करना, कुछ लोग इसमें मुझे ढूंढ रहे थे सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है तो मैंने सोचा मैं यही पे बता देती हूँ। यू आर राइट, तो वो थर्ड पर्सन है राजा। तो आज मैं आप सबके साथ अपना जो प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस है वो शेयर करती हूँ। जैसे कि आप सब लोग बोलते हो कि बताओ, तो प्रेगनेंसी से लेके मोम बनने तक का जो सफ़र था बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई वो ये थी कि उसी टाइम पे कोविड आ गया। अब ऐसे में बाहर जाना इतना ज़्यादा रिस्की था, उसके बीच में हॉस्पिटल जाना और भी ज़्यादा रिस्की था। ऐसे में हम अपने होम टाउन रुड़की में आ गए, सब हमारे व्यूवर्स को पता ही होगा सबको। बिल्कुल, यहाँ पे आके मेरी रेगुलर डॉक्टर चेंज होगी। मैंने यहाँ पे आके कंटिन्यू 3-4 डॉक्टर के पास विजिट करा, ये 3-4 महीने तक चलता रहा, बट मैं स्टिल सेटिस्फाइड नहीं थी। बहुत प्रॉब्लम हुई उस बीच में। हाँ, क्योंकि मुझे थायराइड और गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर के पास गए लेकिन वही चलता रहा। फिर एट ऑफ द एंड मुझे एक डॉक्टर मिली जिसने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गई थी। उसके बाद फिर मेरी डिलीवरी वहीं पे हुई, हमारे पास राजा आया, हम बहुत ज़्यादा खुश थे, इवन पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली वो डे आ गया कि राजा इज़ बैक। आप सबने व्लॉग भी देखा होगा। बट जो मेन प्रॉब्लम आई वो ये थी कि जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी लाइक गैस की प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम फिर राजा को होने लग गई। अब इतना छोटा बच्चा इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है आपको पता है, फिर बार बार उसको डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत ज़्यादा रिस्की था। इवन डॉक्टर ने भी हमें यही बोला कि आप इसको बार बार हॉस्पिटल मत लेके आओ, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो हम लोग उसको रेगुलर जो भी ट्रीटमेंट था डॉक्टर का वो रेगुलर मेडिसिन वगैरह दे रहे थे। बट प्रॉब्लम क्या होती थी रात को, क्योंकि रात को डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता था। बहुत बार राजा रात को रोने लग जाता था, कई बार तो इतना रोता था कि हमें समझ ही नहीं आती थी इसको क्या हो गया, कैसे चुप कराएं। मतलब ऐसा लगता था कि यार काश उसका दर्द हमें हो जाए, क्योंकि इतना छोटा बच्चा क्या ही बोल के बताएगा कि उसको क्या हो रहा है। सो मेरी एक फ्रेंड है जो कि नोएडा में रहती है अभी अभी, वो भी एक न्यूली मॉम बनी है, तो उसने मुझे एक वेबसाइट के बारे में बताया जिसका नाम है मिरेकल मॉम। मतलब वो इतनी अच्छी वेबसाइट है, मुझे थोड़ा सा दुख है कि यार काश वो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम मेरे पास आ जाती, बट अभी भी देर नहीं हुई है क्योंकि अभी मेरा मदरहुड स्टार्ट हुआ है तो मैं अभी भी उससे बहुत सारे फायदे लेने वाली हूँ। सो इस वेबसाइट के अंदर प्रेगनेंसी से लेके मदरहुड तक की सारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी न्यूली मॉम को, जो एक प्रेगनेंट औरत को सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत होती है। तो अभी मैं छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी मेरी बातों को आप सब पूछते हो मुझसे कि आपने इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर लिया, तो इसका बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि मैं अपनी छोटी छोटी चीज की इन्फॉर्मेशन इस पे लेती हूँ। तो मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूंगी, लाइक अगर आप न्यूली मॉम हो, आप प्रेगनेंट हो, जो आपके आसपास कोई प्रेगनेंट है, तो आप उसको इस वेबसाइट के बारे में बता सकते हो जो कि है मिरेकल मॉम। इस वेबसाइट के अंदर एक अच्छी चीज क्या है कि जितने भी आपको डाउट्स होते हैं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि बच्चे को बहुत बार वो इश्यूज हो जाते हैं जो मॉम को रहते हैं, तो आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है। कोविड के चलते भी आप लोग इससे हेल्प ले सकते हैं, 24/7 एक्टिव वेबसाइट है एंड जब भी आप चाहें, जब भी आपको जो भी प्रॉब्लम है सीधा से डील कर सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, आप जो भी मेरे इंस्टा पे हो वो देखते होंगे, नीचे मैसेज आते हैं आपने इतनी जल्दी रिकवर कैसे किया, रिकवर कैसे किया। तो यही एक वेबसाइट है मिरेकल मॉम, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर कोई लड़का भी मतलब हमारी वीडियो को देख रहा है तो मुझे भी यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आप एक बार इस वेबसाइट के बारे में अपनी वाइफ या फिर जो भी आपके आसपास में, जो भी आपकी फैमिली में प्रेगनेंट है उसको बताओ। क्योंकि इस टाइम पे मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम हो जाती है जिसका सलूशन हमें पता नहीं होता। हम अपने बड़ों से पूछते हैं, हम डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हैं, बट हर बार पॉसिबल नहीं होता कि हम टाइम टू टाइम। सबसे बड़ी चीज है कि इस पेंडेमिक में आप नहीं चाहोगे कि आप बार बार छोटी चीजों के लिए भी डॉक्टर के पास विजिट करो और किसी भी खतरे में पड़ो। तो छोटी चीजें जल्दी जाओ मिरेकल मॉम वेबसाइट को सर्च करो एंड उसके ऊपर आपकी जितनी भी क्वेरीज है, जितने भी डाउट्स हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो मदरहुड से रिलेटेड हो, सारी क्वेरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एंड आपके पास यही दो डाउट्स थे कि पहला डाउट था कि खुशी से पूछे कि इतनी जल्दी कैसे डील किया इन सब चीजों से, पहली चीज। दूसरी चीज
वो मैं भी भूल गया मैं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार आ रहे थे, और मेरा ये था कि मेरी वजह से अगर किसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि मैं तो लेट हो गया, मेरा ये है कि और कोई लेट ना हो जाए, तो आप फटाफट जाके उस पर मतलब चेक कर सकते हैं। अगर आपको मतलब वैसे मुझे पता, आप मुझसे नहीं पूछोगे दोबारा से, क्योंकि ऑब्वियसली बता दिया यहाँ पे कि मैंने क्या यूज़ करके अपने आप को इतना रिकवर करा है। लेकिन हाँ, अगर आपको उसके बेनिफिट्स रहे ना, प्लीज़ मुझे एक मैसेज करके थैंक्स जरूर बोल देना। तो अभी हम जल्दी चलते हैं बाहर, एंड खुशी पाजी आने वाले हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी हम तैयारियाँ कर लेते हैं। सो फाइनली ऑल सेट, केवी भाई की वेट हो रही है, एंड यहाँ पे जो है हमारा केक भी है रेडी, लिखा है 1 करोड़। जिसे नहीं पता है 1 करोड़ व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं गाने के ऊपर, जल्दी जाके गाने को चेकआउट कर लो, इसने अभी तक नहीं किया है। एंड स्टिल वेटिंग पाजी की कि जब वो आएंगे उसके बाद हम केक कट करेंगे एंड काफ़ी सारी मस्ती करेंगे आज। सो व्लॉग में आगे बने रहिएगा। वेलकम पाजी आपका, वेलकम वेलकम। वो बात अलग है, आपने 11 बजे का टाइम देखे और शाम ही कर दी, तो आज का दिन हमारा है ना पाजी, आज का दिन हमारा है। जैसे आपने हमें धोखा दिया, अब हम आपको धोखा देंगे देखने। पाजी शूट का बजट तो बड़ा था, लेकिन जो बात सच्ची है, मैंने पाजी को कह दिया, मैंने कहा पाजी मैंने मजा लिया, ग्रीन टी वगैरह पी, शूट का बजट अच्छा था, तो पाजी कहते बेटे खाए तो तूने फ्रूट भी, लेकिन अब तूने खाना भी तुझे देखा, हमने एवन खिलाया, ड्राई फ्रूट भी थे, लेकिन कोई नहीं चला, अगर तू खाली कॉफी कॉफी याद कर रहा है तो कोई नहीं। मैंने बहुत पी उस दिन, मतलब नींद आ रही थी क्योंकि जल्दी उठ गए थे। नहीं खाए तो फ्रूट भी, फ्रूट भी तुमने खाया है। मैंने परांठे ज्यादा खाए थे। जो वो शॉट पे बता रहे थे ना आलू वाली बात, तो खुशी का जब प्रॉपर वाइड एंगल था तो खुशी में रोटी और उनकी बात सुन रही है, तो मैंने फिर जूम किया बहुत सारा, वो नहीं डाला ना जूम कर लिया, खुशी ना ऐसे लगी पड़ी थी उसमें, मतलब बाइट बना रही है और मन दौड़ा की तरफ। अरे अच्छा, खाना बहुत खाया था, बार बार भूख लग रही थी, भाग दौड़ कर करके। उनको पता नहीं, जब मैंने ना उनको बोला, मैं भाई जी जब तुम पहुंच जाओगे ना, जे तो मर्जी पहुंचो, मैंने मैं कॉल बैक जरूर कर दे, कॉल करके दस भी तुम पहुंच गए ना सेफली। कॉल आई चलो ठीक है वधिया। थोड़े बाद ना टाइम दोपहर में भाई ना मैसेज आया दादा करके कि इदां राजा होना ना, इदां दस्या नहीं। भाई साहब मामा जी का बजट तगड़ा है। खुशी बीच में चढ़ो, तुम क्या लेने वाली बन गई। मामा है इसके, ये भाई नहीं है तुम्हारे, तुम्हारे भाई जब तक थे जब तक राजा नहीं था, अभी इसके मामा है। मेरे लिए ओके भाई, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा बजट है भाई, जेब में नहीं, उससे भी बड़ा बजट इस पे लगा भाई, जेब में नहीं पेट में रख लूं, सीधा जेब में तो आएगा नहीं, आ जाए ओ कुछ और निकल जाएगा। हां जी भाई कैसे बात भाई, क्या हो गया था वहां पे, क्या कह रहे हैं आप, शॉट लंबा चला था वाला, ये सिर्फ 2 सेकंड का सीन था इनका, इनका भाई का। हां जी, मैंने ड्रेस चेंज करनी थी, तो मैं ड्रेस चेंज करके भी आ गया, टर्बन बांध के आ गया, मेरे को ना कम से कम 40-50 मिनट लगे होंगे, लेकिन वो 50 मिनट में ये भाई एक ही सीन में तो यार वो अपनी लैंग्वेज कर दी, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज यार की बातें। ये हग वाला सीन आएगा यहाँ पे जरा, दिस वन, तो पाजी ने थोड़ा लंबा चलाया वाला सीन, इसने इसने अभी वीडियो नहीं डाली, ये हमारा फ्री थे वहाँ पे, बाइक थी उसमें बोला, वो बाइक चला रही थी, मैंने भी तो मेरे पीछे बैठ के मैंने गेड़ी गेड़ी लगाई, पाजी ये वो बाइक चला रही है, उसके पीछे बैठ के ऐसे गेड़ी लगाया। ये बंदा देखो कौन है, इस रोल के लिए पाजी ना 3 दिन लाइन में लगे थे, पाजी ने कहा मुझे गाने में ना एक छोटा सा रोल चाहिए, केवी पाजी ने कहा चला जा रोल देते हैं तुझे, तो सारा सेटअप अपना है, सब लोग दिख रहे हैं, एक बंदा ruined, I don't even know when we became this way. Now
you're acting so different than when back when we had it easy. Now you don't believe me when I say. तो अभी जो है हमारा केक रेडी है ना, हम चलते हैं पाजी के पास लेके 1 crore व्यूज. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच. तो पाजी ये है स्पेशल डिमांड पे 1 crore. ठीक है, 1 crore लिखा है इसीलिए, तो बाबा जी की कृपा से हो गए 1 crore व्यूज भी. पहले बधाई हो पूरी टीम को एंड सबने बहुत तगड़ी मेहनत की है. 1 crore का सबसे ज्यादा पाजी ने पहले मेहनत की. पाजी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो. पाजी सारा तालियां यार. मजा आ गया भाई. जिसने अब तक गाना नहीं देखा है जल्दी जाके गाना देख लो, क्योंकि सारे मजे लूट जाएंगे वरना. मैं 1 मिनट बोलने लगा, 10 मिलियन हो गए, 1 crore व्यूज. और थैंक यू सो मच सारा का, सारे का थैंक यू सो मच, जिन्होंने जरा प्यार दिया. हिंदी पंजाबी मिक्सअप होगी. वैसे सही में थैंक यू सो मच एवरीवन. और लाइट भी भागी, बजट थोड़ा डाउन हो गया एकदम से. हाँ दिल दे करीब तेरे रहना जट्टी ने, हाँ अख बंद कर विच रहना जट्टी ने, कद के जा टाइम कदी बैठी मेरे कोले, सच जाड़ी बारा कुछ कहना जट्टी ने. ओ मुख दे स्माइल जी हजूर कर दऊ, हाँ कला कला दुख थोड़ा दूर कर दऊ, हाँ अखियां दे नाल देखी करूं मैं सजा दू, केल सिंह तेनू मशहूर कर दू. ओ मन जावे तू, जट्टी मार दी तेरे ते मरे हो रहा उते तू. ओए मन जावे तू, जट्टी मार दी तेरे ते मरे हो रहा उते तू. बहुत जल्दी इसको 20 मिलियन करते हैं. 10 दिन में 10 मिलियन, 100 दिन में 100 मिलियन. सब लोग जो हैं आपकी लाल शर्ट को मिस कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे उसके साथ? भाजी वो शर्ट मेरी ना ऑक्शन में बिक गई है और मुझे उसका 25,000 रुपीज मिल गया है. ओह माय गॉड, 25,000 रुपए का मैं आपको चेक आपको नहीं भेजूंगा,
उसको मैंने संभाल के फ्रेम करवा के वॉल पे रखा। आज भी इसी उम्मीद में आए थे, इसका रेट भी बढ़ने वाला शर्ट का। जी वैसे ये भी अपने कपड़ा पोस्ट स्पॉन्सर करने के लिए आपके यहाँ पर आता रहूंगा। आप मुझे अंदर बुलाते हैं, कितने प्यार से कह रहा मैं ऐसे ही आता रहूंगा और आप मुझे अंदर लेते रहना सब। लेकिन ये उससे ज्यादा कूल लग रही है ना, तो पाजी इसके रेट को ज्यादा लगवाओगे आप? नहीं नहीं पाजी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाल परी नहीं है, हरी परी है। लाल हरी है, ये लाल हरी है। अच्छी लग रही है, कूल लग रही है। वैसे पाजी क्या बात है भाई सब। काम करके साथ में मजा आ गया पाजी। एक चीज है पाजी को मेरी तरफ से बोलने लगी, मैं व्लॉग में बोल रहा हूँ उनको यही लिंक भेज देना की काम इतना हार्ड था उनके एडिटिंग में, मजा आ गया है ना खुशी। मतलब एडिटिंग तो नेक्स्ट लेवल है, मतलब एडिटिंग पर्सनली हमारी तरफ से मतलब 100 out of 100 है। बहुत जल्दी बाजी मिलते हैं बाजी, बहुत जल्दी बहुत जल्दी आने वाला कोई सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए, तो स्टे ट्यून एंड व्लॉग में आगे आपको पता लगता रहेगा क्या सरप्राइज। बहुत जल्दी यो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। आने वाले गाने की अपडेट आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। लव यू, लेट्स गो।